खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से कानपुर कोटला गए। इस दौरान उनका गुस्सा सरकार पर पुलिसकर्मियों पर एक बार फिर से देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वे इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं, उनको पेशाब तक नहीं करने दी जाती। रात में 2:30 बजे गाड़ी में बिठाकर सीधे कोर्ट ले आया जाता और फिर यहाँ से सीधे जेल ले जाया जाता है। उनके साथ इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। वहीं विधायक इरफान सोलंकी ने कहा उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। इसके साथ तो उन्होंने सरकार को भी घेरते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि वह निर्दोष है, लेकिन उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सरकार जिस प्रकार से मुझे परेशान कर रही है, उससे सरकार की मानसिकता दिख रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने कहा अखिलेश यादव उनके परिवार के सदस्य हैं और वे उनके साथ खड़े हैं। कोई आदमी नहीं है, जानवर है हम, बस याद रखना ये बात है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आदमी को पेशाब करने दे रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।